हाईकोर्ट जबलपुर, पुलिस मुख्यालय और जिलाधीश शिवपुरी के आदेश के पालन में आज यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव और उनकी टीम द्वारा गीता पब्लिक स्कूल और शिवपुरी पब्लिक स्कूल में बिना हेलमेट आने वाले बच्चे, उनके माता पिता और शिक्षकों को प्रवेश नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि बिना हेलमेट के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश बंद कर दिया गया है, जिसके बाद जो भी वापस जाकर हेलमेट लेकर आए उन्हीं को स्कूल में प्रवेश दिया गया। गौरतलब है कि यातायात पुलिस शिवपुरी के द्वारा कई दिनों से स्कूल शिक्षण संस्थानों में जाकर हेलमेट का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिलाधीश शिवपुरी का भी आदेश है कि कोई भी शिक्षण संस्थान बिना हेलमेट के अपने स्कूलों में किसी को भी प्रवेश नहीं देंगे, लेकिन स्कूल संस्थान आज भी आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद आज यह कार्यवाही यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव द्वारा की गई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। राज्य स्कूलों में चालानी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ कार्रवाई गई? ये हमारा अभियान शुरू हुआ है 6 तारीख से, माननीय हाईकोर्ट जबलपुर के निर्देश और पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार, जिलाधीश महोदय के आदेश अनुसार भी। इसमें सभी स्कूलों में, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो माता पिता हों जो उनको बच्चों को छोड़ने आते, सभी को हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। चूँकि इसका पीछे का जो उद्देश्य है वो है कि एक्सीडेंटों में जो हेड इंजरी कार जो मौतें हो रही हैं व्यक्तियों की, उनको रोकना। आप देखेंगे जब भी मोटरसाइकिल से कोई अगर स्लिप होती है या कोई एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले अगर वो व्यक्ति नीचे गिरेगा तो सिर में चोट आती है, जिसके कारण उसकी मौत भी होती है। इन सबको रोकने के लिए ये अभियान के तौर पर ले रहे हैं। तो आदेश के बाद भी कुछ स्कूल इसका पालन नहीं कर रहे हैं। आज मेरे 3 स्कूलों में मैंने अपना निरीक्षण किया, जिसके बाद कमियाँ पाई गई, उनको संचालकों को भी बता दिया गया, स्कूल प्रबंधन को बता दिया गया, और जितने बच्चे थे या पालक थे उनके बच्चे थे या टीचर थे, सबको वापस किया गया। जो जो हेलमेट ला के वापस आया उनको ही प्रवेश दिया गया, और ये अभियान के तौर पे हम आगे भी चलाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।